Hi guys, welcome to DIY Lokesh. तो यार आज हम बनाने वाले हैं एक चार्जर, कोई ऐसा वैसा चार्जर नहीं, 18650 बैटरीज का चार्जर है जो कि 3.7 वोल्ट की है। ये बैटरीज बहुत ही मतलब कम की लगा था। ये है 18650 बैटरीज, इनका यूज होता है पावर बैंक्स में, लैपटॉप्स में और आजकल तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उनमें ये बैटरीज का यूज होता है। तो चलिए बनाते हैं इस चार्जर को। तो सबसे पहले मैंने ये TP405 चेक्स नंबर का ये चार्जिंग मॉड्यूल लिया है और इसके आगे फीमेल माइक्रो यूएसबी पोर्ट को सोल्डर कर लिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बेस के लिए मैंने यूज़ किया एक वुडन स्टिक का और उस मॉड्यूल को मैं इस पर ग्लू गन के हेल्प से चिपकाऊँगा। इसको यहाँ पर ठीक से चिपका लूँगा। माइक्रो यूएसबी पोर्ट की इस जगह पर मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्लू लगाई है ताकि चार्जर निकालते या डालते वक्त ये बाहर ना आ जाए। तो सेल को होल्ड करने के लिए मैंने ये एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और इसके ऊपर ये स्प्रिंग और ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इस तरीके से चिपका लिया। तो चार्जर की मजबूती के लिए मैंने ये इस तरीके से ये दो लकड़ी के टुकड़े काट लिए। बस सारे टुकड़े मैंने काट लिए, अब उसे इनको चिपकाना है फेविक्विक की हेल्प से। ये लगेगा यहाँ पर और ये स्प्रिंग वाला टुकड़ा लगेगा यहाँ पर और ये एक और सपोर्ट इस तरफ और पॉजिटिव वाला हिस्सा यहाँ पर। तो फालतू का टाइम पास ना करते हुए मैंने यहाँ पर दोनों वायर को सोल्डर कर लिया। आप भी बिल्कुल इस तरीके से कर लेना। ये चार्जर अभी रेडी है। तो ये है वो बैटरी जिनको हम चार्ज करने वाले हैं, 3.7 वोल्ट की है, 7.4 वाट की है। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये चार्ज है या नहीं। तो जैसे ही मैं नेगेटिव को नेगेटिव पर और मल्टीमीटर को पॉजिटिव को इस तरफ लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये अभी चार्ज नहीं है, 8.3 का वोल्टेज दिखा रहा है। तो सिंपली आपको बस एक चार्जर चाहिए और इस चार्जर को इस तरीके से कनेक्ट करने में कोई भी चार्जर चलेगा। 1 amp का होगा तो उससे धीरे चार्ज होगी बैटरी, 2 amp का होगा तो उससे ज़्यादा स्पीड से चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो बैटरी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। जैसे ही बैटरी को लगाओगे वो जो ग्रीन लाइट थी वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ये सेल फुल चार्ज होगा तो ये रेड लाइट ग्रीन हो जाएगी वापस। तो गाइज अब वक्त है टेस्टिंग का, तो मल्टीमीटर की हेल्प से टेस्ट करते हैं कि ये बैटरी चार्ज हो रही है नहीं। तो मैंने ये थोड़ी वीडियो स्पीड में चलाई है, आप देख सकते हो कि ये बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज हो रही है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो बैटरी को 2 घंटे चार्ज करने के बाद देखते हैं कि ये चार्ज हुई है या नहीं। आप देख सकते हो ये 3.8 वोल्ट का वोल्टेज दिखा रही है। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे लाल बटन है उसे क्लिक करना।